अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने ना वो है डेरिवेटिव ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स। देखिए, ये हम सबको पता है कि ड्यूरिंग द सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट तब ना दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एपिब्लास्ट और एक होती है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब ना तीसरे वीक के दौरान ये दो लेयर्स, इनके दरमियान एक तीसरी लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। तो ऊपर वाली लेयर बन जाती है एक्टोडर्म, दरमियान वाली लेयर बन जाती है मीजोडर्म, और जो नीचे वाली लेयर है वो बन जाती है एंडोडर्म। इस तरह सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो दो लेयर्स थी एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, वो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में जाके बन जाती हैं एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। इन्हीं तीन लेयर्स को हम कहते हैं थ्री जर्मिनल लेयर्स। और ये जो दो मतलब दो लेयर से तीन जर्मिनल लेयर बनने का प्रोसीजर है ना, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, और ये होता है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में। थर्ड वीक में वो जो दो लेयर्स होती हैं वो तीन में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, अब ये वो तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और बाकी हमारी बॉडी के जितने भी मतलब बॉडी पार्ट्स हैं ना, वो सारे इन्हीं तीन लेयर्स में से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो ये वाली है एक्टोडर्म, दरमियान वाली है मीजोडर्म और ये है एंडोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म है ना, ये मतलब इसकी दो टाइप्स होती हैं। ये जो येलो में आपको नजर आ रही है ये है सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, और ये जो आपको ऑरेंज में नजर आ रही है इसे हम कहते हैं, ये है न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, ये है न्यूरो एक्टोडर्म, और ये जो दरमियान में एक, इसमें ना इनके बिल्कुल दरमियान में एक ट्यूब होती है, इसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। एक ट्यूब मतलब एक ट्यूब फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि कुछ जो न्यूरो एक्टोडर्म के सेल्स है ना, ये लेयर्स से ऊपर उभरे हुए हैं, बल्ज हुए ना, इन्हें हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं। और ये जो आपको दरमियान में नजर आ रही है ना, ये जो ग्रीन में है इसे हम कहते हैं पैर एक्सियल मीजोडर्म। ये पैर एक्सियल मीजोडर्म है, और ये जो इसके साथ ये जो ऑरेंज में हमें नजर आ रही है ये है इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और ये जो ब्लैक में नजर आ रही है ये है लैटरल मीजोडर्म। मीजोडर्म की ना ये तीन टाइप्स हैं, ये है लैटरल मतलब एक है पैर एक्सियल, इंटरमीडिएट और ये लैटरल मीजोडर्म जो बिल्कुल एंडिंग पे है। और ये लैटरल मीजोडर्म ना फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो है ना इसे हम कहते हैं, ये है सोमैटिक मीजोडर्म। ठीक है, सोमैटिक मीजोडर्म, और ये जो नीचे वाली है ना इसे हम, यानी कि ये वाली, इसे हम कहते हैं ये है स्प्लैंकनिक, स्प्लैंकनिक, या फिर इसे हम कहते हैं ये है विजरल मीजोडर्म। ठीक है, तो अब हमने देखा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और एक्टोडर्म दो तरह की है, एक तो है मतलब ये न्यूरो सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म, दरमियान में न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स उभरे हुए हैं। मीजोडर्म की पैरेक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, लैटरल मीजोडर्म, और उसकी फर्दर आगे दो कैटेगरीज, सोमैटिक मीजोडर्म और स्प्लैंकनिक मीजोडर्म, और ये एंडोडर्म। अब हमने ये देखना है जो तमाम पार्ट्स है ना ये किस किस ऑर्गन में डेवलप होंगे, वो हम सबने देखने, वो हम देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले एंडोडर्म को डिस्कस कर लेते हैं। जो एंडोडर्म है ना ये सिर्फ एपिथीलियम बनाएगी। ठीक है, पूरी बॉडी में जहां जहां एपिथीलियम है ना, तकरीबन सारी ही एंडोडर्मलिन ओरिजिन है। अभी किसकी एपिथीलियम बनाती है, देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। माउथ में टॉन्सिल्स होते हैं, ये टॉन्सिल्स की भी बनाएगी, माउथ कैविटी की भी एपिथीलियम बनाएगी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई, हमारे पूरे जीआईटी ट्रैक की, लीवर, पैंक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर, फेरिंग्स, थायराइड, पैराथायराइड, ये इन सब की ना एंडोडर्म तो बनाती ही, मतलब इनकी एपिथीलियम एंडोडर्म ही बनाएगी। साथ में जो टिम्पैनिक कैविटी है और फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब है ना, इनकी एपिथीलियम भी एंडोडर्म बनाती है। ये जो टिम्पैनिक कैविटी है ना, ये मिडिल ईयर की हमारी कैविटी है, ये है हमारी मिडिल ईयर कैविटी, तो इसकी एपिथीलियम भी एंडोडर्म बना रही। और ये हमारे ये एक एग्जाम एमसीक्यू है, ये प्रॉफ का क्वेश्चन है। और है फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, इसके में दो एमसीक्यू है, एक ये कैसे बनी कि इसकी एपिथीलियम एंडोडर्म बनाएगी, पहला एमसीक्यू। दूसरा, फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब वो ट्यूब है जो के जो हमारी टिम्पैनिक कैविटी है या मिडिल ईयर की कैविटी है, ये उसे कनेक्ट करती है थ्रोट के साथ, कनेक्ट्स मिडिल ईयर विद थ्रोट। इसे थ्रोट कह लें या फेरिंग्स कह लें, नाम से भी जाहिर है फेरिंगो टिम्पैनिक, फेरिंग्स और टिम्पैनिक कैविटी जो कि हमारी मिडिल ईयर की कैविटी है, यानी कि ये फेरिंग्स और टिम्पैनिक कैविटी, इनकी मिडिल ईयर की कैविटी को ये आपस में कनेक्ट करती है, ये वो ट्यूब है जो कि मिडिल ईयर की कैविटी को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट कर रही है। ये दो एमसीक्यू इसके बारे में प्रूफ किए हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं बाकी के दो डेरिवेटिव। देखिए, सबसे पहले हम सरफेस एक्टोडर्म को डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस एक्टोडर्म से ना, ये देखें, एक जो सरफेस एक्टोडर्म है ना, ये हमारी अपेंडिक मतलब जो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम है ना, सरफेस एक्टोडर्म इंटेगुमेंट्री सिस्टम को डेवलप करती है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या जाते हैं, स्किन और उसकी तमाम अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है स्किन से, स्किन, नेल, हेयर एंड उसके तमाम मतलब स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड भी इसमें आ जाते हैं। अब देखें, स्किन का सिर्फ एपिडर्मिस का पोर्शन, ये हमारा प्रॉफ का एमसीक्यू है कि एपिडर्मिस कहाँ से डेवलप होती है, सरफेस एक्टोडर्म से। अब उसकी अपेंडेजेस में हेयर, नेल, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये तो आ गया पूरा हमारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आ जाता है। बाकी ये तीन थोड़े से ट्रिक हमें याद करनी है। जो लेंस है ना,
लेंस भी कहाँ से डेवलप होता है, जो हमारी आई का लेंस है ये सर्फेस एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है। इनेमल ऑफ टीथ कहाँ से डेवलप हो रही है, वो भी सर्फेस एक्टोडर्म से। और पिचूटरी ग्लैंड है एंटीरियर लूब, एंटीरियर पिचूटरी कहाँ से डेवलप हो रहा है, वो भी सर्फेस एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरो एक्टोडर्म की। न्यूरो एक्टोडर्म में दो हैं, एक तो जो सेल्स उभरे हुए थे ये हमने कहा था ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, और इनके दरमियान में एक ट्यूब है जिसे हमने न्यूरल ट्यूब कहा था। न्यूरल ट्यूब, देखिए न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आपको डिटेल से बता दूंगा, बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है ना, देखें क्रेनियल एंड सेंसरी गैंग्लिया नर्व्स, अब ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला पोर्शन, मेडुला न्यूरो एक्टोडर्म बनाता है। और पिगमेंट सेल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पिगमेंट सेल्स कहाँ से डेवलप होते हैं, वो न्यूरो एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। और एक और इनका प्रूफ का पॉइंट है कि अगर न्यूरो एक्टोडर्म में पिगमेंट सेल डेवलप ना हो तो इससे हो जाती है क्लिनिकल डिजीज का नाम है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, हमारे हेयर और स्किन में ना कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बॉडी पिगमेंट, यानी कि वो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा वाइट अपीयर होती है जिसे हम एल्बिनो कहते हैं, जिन लोगों को हम एल्बिनो कहते हैं हम कहते हैं एल्बिनिज्म। क्या होते हैं, पिगमेंट सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। अब न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है, न्यूरल ट्यूब हमारी बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा हमारा जो रेटिना है, लेंस बनाया था सर्फेस एक्टोडर्म ने, रेटिना बना रहे हैं जो कि न्यूरल लेयर है आई की, वो बना रहे हैं न्यूरल ट्यूब। पोस्टीरियर पिचोटरी, एंटीरियर पिचोटरी बनाया था सर्फेस एक्टोडर्म ने, पोस्टीरियर पिचोटरी बना रहे हैं न्यूरल ट्यूब। और पाइनियल बॉडी या पाइनियल ग्लैंड ये बनाएगी न्यूरल ट्यूब। अब ये रेटिना, पोस्टीरियर पिचोटरी और पाइनियल बॉडी, ये सारे ही प्रॉफ के एमसीक्यूज हैं। अब हम देख लेते हैं मीजोडर्म के, देखें पहले हम पैराक्सियल मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। एक इसमें आ रहा है सेंट्रल स्केलेटन, सेंट्रल स्केलेटन से मुराद हमारी तमाम जो बोन प्लस कार्टिलेज कहाँ से डिराइव होगा, पैराक्सियल मीजोडर्म से। अब देखें एपिडर्मिस डेवलप हुई थी सर्फेस एक्टोडर्म से, लेकिन जो डर्मिस है ना एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, डर्मिस डेवलप हो रही है मीजोडर्म से। और जो हमारे ट्रंक की मसल्स है, ट्रंक का मतलब है हमारा थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन और पेल्विस, ये वाला जो रीजन है जो हमारे ट्रंक का रीजन है, इसके तमाम के मसल्स पैराक्सियल मीजोडर्म बनाएगी। फिर हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म, जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है ना वो यूरोजेनिटल सिस्टम, यानी कि यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमारे किडनीज, यूरेटर और ब्लेडर, ये सब चीजें आएंगी, जबकि जेनिटल सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटल और वो सारा कुछ। इनमें ना स्पेशली हम जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे दो रिजेस अपीयर होती हैं, यूरिनरी रिज और जेनिटल रिज, वो फिर एक यूरिनरी सिस्टम बनाएगी और एक हमारा जेनिटल सिस्टम बनाएगी, ठीक है। अब आते हैं लैटरल मीजोडर्म, लैटरल मीजोडर्म में क्या क्या चीज़ ड्राइव हो रही है, सीवीएस हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ सेल्स, स्प्लीन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉफ का एमसीक्यू है कि सीरस मेम्ब्रेन कहाँ से डेवलप हो रही है, लैटरल मीजोडर्म से। ट्रंक के मसल्स हमारे पैराक्सियल मीजोडर्म से अपीयर होते हैं, जबकि जो हमारे लिम्ब्स यानी कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, हाथ और पाँव के जो मसल्स हैं ना वो डेवलप होते हैं लैटरल मीजोडर्म से। देखें ये सारे हैं हमारे मतलब इन तीन जर्मिनल लेयर्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, इसमें से स्प्लीन की डेवलपमेंट पूरी मैंने मतलब इसकी पर वीडियो बनाई हुई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स और मेडुला, इन दोनों की भी मैंने मतलब जो है ना वीडियो कंप्लीटली दी हुई है। पिचूटरी ग्लैंड की भी डेवलपमेंट मैंने दी हुई है। अब देखें एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स मीजोडर्म की लैटरल मीजोडर्म से डेवलप हो रहा है, जबकि इसका जो हमारा मेडुला था ना वो न्यूरो एक्टोडर्म से हो रहा है। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे ये भी देखनी है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम डुअल ओरिजिन वाले ऑर्गन कहते हैं, यानी कि उनकी जो एक पोर्शन है वो किसी एक मीजो एक मतलब उसमें से लेयर में से डेवलप होगा जबकि दूसरा किसी और में से। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है स्किन, जो स्किन की एपिडर्मिस से सरफेस एक्टोडर्म से आती है, जबकि इसकी जो डर्मिस वाली लेयर है वो पैराक्सियल मीजोडर्म से आती है। और इसमें दूसरी एग्जांपल है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में जो उसका मेडुला है वो न्यूरो एक्टोडर्म से आएगा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप होगा, जबकि जो उसका कॉर्टेक्स है वो लैटरल मीजोडर्म मीजोडर्म से डेवलप होगा। देखिए यहाँ पे ना दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए अब ये तो हमारी फर्स्ट ईयर का पोर्शन है जिसमें हमारे एमसीक्यूज और एसीक्यूज कवर होते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स लिखे हैं या क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं जो कि प्रॉफ और वाइवे में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब हम स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट ईयर में स्किन, हमारे फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन है उसमें स्किन, वर्टिब्रल डेवलपमेंट और मेमोरी ग्लैंड, और इसके साथ साथ जो है ना स्किन, वर्टिब्रल, मेमोरी ग्लैंड, ये जो डेवलपमेंट है ना ये हमारी है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है फर्स्ट ईयर एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है, स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में। जबकि बाकी जितनी भी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है ना वो हम सबने करनी है स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी सेकंड ईयर यूजेस के सिलेबस में। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे ना, लाइक हमने किडनी की डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, यूरेटर की, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ये यहाँ मौजूद किसी भी ऑर्गन की ना, हम सबसे पहला पॉइंट यही स्टार्ट करते हैं कि यूरोजेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट लिखनी है ना, ये कहाँ से डेवलप होगा, इंटरमीडिएट मीजोडर्म से, जो कि मीजोडर्म है, ठीक है, पहला पॉइंट यही होगा। और दूसरा पॉइंट होता है कौन से टाइम में, यानी कि विच वीक ऑफ डेवलपमेंट, तो ये तीसरे वीक में बनी है, तो मोस्टली जो ऑर्गन के डेवलपमेंट है ना तीसरे या थर्ड या फोर्थ वीक में उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो चाहे आपने किसी भी ऑर्गन, स्प्लीन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहाँ पे ट्रंक, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, जीआईटी, पेंक्रियाज, या यहाँ मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, यहाँ मौजूद किसी भी ऑर्गन की हमने डेवलपमेंट लिखना है जो कि हमने स्पेशली सेकंड ईयर में हमने करनी होती है स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक में, उसका पहला पहला पॉइंट तो हम यहीं से निकाल लेते हैं।
कि वो कौन सी कहाँ से डेवलप होगी, फिर हम यहाँ से देख लेंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वो हमें कहते हैं कि भाई मतलब ट्रेकिया की डेवलपमेंट लिखें, तो हम यही कहेंगे भाई ट्रेकिया कहाँ से डेवलप होगा, कौन से टाइम में, थर्ड मोस्टली थर्ड और फोर्थ वीक में सारे डेवलप हो रहे होते हैं। फिर ये टाइम का दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट कहाँ से डेवलप हो रहा है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे होता है दूसरा टाइम हो गया, पहला उसकी मतलब डेरिवेटिव हो गया भाई वो ड्राइव कहाँ से हुआ था, और जिसका तीसरा पोर्शन होता है ना, तीसरा पॉइंट होता है कि जितने भी ये एपिथीलियम है ना, अगर हम इनमें से किसी के डेवलपमेंट लिख लेना एंड पे उसका पॉइंट होता है एंड इट्स एपिथीलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म विच वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन। ठीक है, ये लास्ट पी के भाई एंड में हमने एपिथीलियम उसकी बना के ऑर्गन की डेवलपमेंट मुकम्मल कर देनी होती है। तो ये सारा, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। इसमें हमने इन तीनों मतलब वो दो से तीन बनी है, तीन में से फिर फर्दर उनके थ्री पार्ट उनके मतलब उन तीनों के पार्ट्स, और फिर किस किस पार्ट से क्या क्या डेरिवेटिव्स निकलते हैं, और उसके रिलेटेड तमाम प्रॉफ के एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं। और इनमें से अगर किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट हम लिखेंगे ना, तो पहला पॉइंट होगा कि वो कहाँ से डेवलप हो रही है, दूसरा पॉइंट होगा मोस्टली या तो थर्ड वीक होगा या फोर्थ वीक होगा, और तीसरा उसकी जो एपिथीलियम होगी ना वो एंडोडर्म बनाएगी। ये तुम्हें अभी से पता है, बाकी बाद में हम जो मजीद डेवलपमेंट ना हम एक एक करके वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।